नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को रद्द करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई और जमानत देने में जल्दबाजी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले की फिर से सुनवाई करने को भी कहा है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर बीते वर्ष 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आज से बदला बैंकों के खुलने का समय, सुबह 9 बजे से कामकाज। आरबीआई ने आज से बाजार के कारोबारी समय और बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। बैंक आज से सुबह 9 बजे खुलने शुरू हो गए हैं। इससे ग्राहकों को एक घंटा अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जबकि बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के चलते बैंकों के खुलने के समय को घटा दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से सामान्य कर दिया गया है। इसी के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन का समय भी सुबह 9 बजे से कर दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष का देशवासियों के नाम पत्र, कहा तय करें 2047 में चाहिए कैसा भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। पत्र में नड्डा ने 2047 में कैसा भारत चाहिए, इसके लिए योजना तैयार बनाने की अपील की है। नड्डा ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं से सक्रिय योगदान की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को विकास की राजनीति अपनानी चाहिए। पत्र में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति और चयनात्मक राजनीति की, जो अब काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर जोर दिया है, जिससे भारतीय सशक्त हो रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना संक्रमण, एक दिन में 2183 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। एक दिन में 2183 नए मामले सामने आए हैं और 214 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह कोविड मरीजों की कुल संख्या 4,30,44,280 हो गई है, जबकि अब तक 5,21,965 मरीजों की जान गई है। इससे एक दिन पहले 1,150 नए मरीज मिले थे। इस हिसाब से एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में 517 कोरोना केस सामने आए हैं और संक्रमण की दर 4.21% हो गई है। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल, परेशान रहे लोग। लगातार बढ़ती तेल कीमतों के बीच दिल्ली में किराया बढ़ाने की मांग को लेकर टैक्सी, ऑटो, ओला, उबर और मिनी बसों के चालकों ने हड़ताल की। ऐसे में टैक्सी, ऑटो आदि का इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए ड्राइवर टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने सीएनजी पर सब्सिडी देने की मांग की है। दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाकर मांगों पर विचार करने की बात कही है। दिल्ली में करीब 90,000 ऑटो और 80,000 टैक्सी रजिस्टर्ड हैं। इंफोसिस को बड़ा झटका, बीएसई में घटा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंफोसिस के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंफोसिस के शेयर एक समय 7.24% की गिरावट के साथ 1622.05 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। इंफोसिस के शेयरों में यह गिरावट पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से कम रहने के बाद आई है। बताया जाता है कि इंफोसिस के शेयरों में 2 साल से ज्यादा के समय में यह सबसे तेज गिरावट है। शेयरों में गिरावट के बाद इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 6,92,281 करोड़ रुपए रह गया है। शुरुआती ट्रेड में ही निवेशकों को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 4% की गिरावट रही। नेपाल में बन रहे श्रीलंका जैसे हालात, सरकार ने प्रवासी नागरिकों से मांगी मदद। नेपाल भी श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट के हालात का सामना कर रहा है। नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा
कि विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को विदेशी करेंसी के साथ देश की मदद करनी चाहिए। नेपाल सरकार ने विदेशों में रह रहे नेपालियों से कहा कि आर्थिक संकट की इस घड़ी में अपने देश के बैंकों में डॉलर खाते खुलवाएं और निवेश करें। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन घटने से नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई है। वहीं नेपाल सरकार ईंधन की खपत कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों में 2 दिन की छुट्टी घोषित करने पर विचार कर रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने 2 दिन की छुट्टी करने की सलाह दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।